हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। सो कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत होंगे, ठीक ठाक, खुशबाश एंड गुड मॉर्निंग जी। सो रमज़ान अलविदा हो चुका है, तो आज जो है ईद का डे यानी कि स्टार्ट हो गया है। तो बाकी ये है कि आज आपके पेशे की मतलब ईद का एक व्लॉग लेकर आएंगे जो कि आप इंजॉय करेंगे होपफुली। तो होपफुली आपने पिछले व्लॉग्स भी इंजॉय किए होंगे। बाकी ये कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिएगा, ठीक है। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं। फिलहाल बैठे हुए ये डिस्कशन कर रहे थे कि भाई नमाज कितने बजे ईद की, कोई कह रहा 8 बजे, कोई कह रहा 7:30, कोई कह रहा 7 बजे। तो फिलहाल हम जो है हम तो 7 बजे वाली में जाएंगे, जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी फारिग होकर आ जाएंगे। कुछ पूछा? पूछा मैंने कुछ? तो बाकी अभी ऐसा है कि मॉर्निंग वगैरह तो हो गई है हमारी, और अब फिलहाल का सीन ये है कि नहाते हैं, नहा के कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, कपड़े वगैरह चेंज करके देन आपसे डिस्कशन करते हैं और क्या करना, आज के दिन में क्या एक्टिविटीज़ होती हैं और क्या कुछ देखने को मिलता है। तो बाकी साथ साथ चलें, अपडेट करता हूँ आपको और ब्लॉग को एंजॉय करना लाजमी। फिर अगर दोबारा बोल रहा हूँ, ब्लॉग को जो है एंजॉय करना और लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर देना। सब्सक्राइब को लाजमी कर दो यार, पहले अगर गाड़ के रख दो, ठीक है। तो बाकी क्या बोला तूने? ठीक है, तो बाकी फ्रेश होते हैं, फ्रेश होकर मिलते हैं। हाँ जी, सो रेडी वगैरह हो गया हूँ भाईजान में। तो अभी फ़िलहाल करना क्या है, पहली बात तो ये है कि आप लोग भी कोशिश कीजिएगा, पता नहीं जब तक तो ब्लॉग अपलोड हो गया होगा, जाहिर सी बात हो गया होगा, लेकिन नेक्स्ट कब भी अल्लाह ताला जब भी आपको मौका दे तो आपने लाजमी नमाज से पहले, ईद की नमाज से पहले एक खजूर या दो खजूर और उसके बाद एक गिलास पानी पी लीजिएगा। देन यानी कि ये एक सुन्नत तरीका है कि हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। आप कुछ मीठा खा कर जाएँ, कुछ भी घर में कुछ भी बना हुआ हो तो वो बेटर है, यानी कि खाना खा के जाना चाहिए यानी कि। तो बाकी अभी यही है कि खजूर वगैरह खाते हैं, देन उसके बाद हम मस्जिद चलते हैं। जी, तो बाकी ये कि खजूर वगैरह खा लिए, बाकी ऐसे कि अब चलते हैं मस्जिद और मस्जिद में जाकर आपको मिलते हैं। One hour later. हाँ जी दी, तो फाइनली ईद की नमाज़ पढ़ ली आप सभी लोगों को, ईद मुबारक। और बाकी फ़िलहाल का सीन ये है कि मैं अभी थोड़ा सा काम करता हूँ क्योंकि रात काफ़ी लेट यानी कि कर रहा था, लेकिन थोड़ा सा फिर भी रह गया था। बाकी ये है कि मज़ीद जैसे भी कोई आता है या कोई कज़न वगैरह, कोई दोस्त वगैरह, तो आपको उनसे मिलवाएंगे भी सही, जो आज की एक्टिविटीज़ होती हैं तो आपको वो दिखा दें लाजमी, ठीक है। तो बाकी स्टे ट्यून्ड है। A few moments later. हाँ जी, तो यार अभी जो है जो सीन जो अभी चल रहा है करंट सिचुएशन में, सीन ये है कि अभी घर पर आए हुए मेहमान बाहर खाना वगैरह चल रहा है, बट ये है कि मेरे मतलब के एज का कोई नहीं है जिससे मैं आपको मिलवा सकूँ, तो बाकी सारे बड़े बड़े हैं। बाकी खाना वगैरह चल रहा है, खाना वगैरह दिखा देते हैं आपको। और दूसरी बात ये है कि कब्रिस्तान भी चला गया था, कब्रिस्तान से होकर भी आ गया, नमाज़ वगैरह भी पढ़ ली। बाकी अब बारी है कि हमने अब जाना है लोगों के घर। लोगों के घर जाने से मुराद यानी कि हमारी आज की एक दावत है शाम में, मतलब कि रात की होगी, रात का डिनर होएगा। तो वहाँ पर जाके देखते हैं क्या सिचुएशन है, क्या सीन है और क्या कुछ है खाने के अंदर, वो भी आपको बताएंगे। बाकी यार आप लोग ये सोचते होंगे कि यार अकेला अकेला वो लोग बनाता रहता है, अकेला अकेला हमसे बातें करता रहता है, चीज़ें नहीं होती इतनी खास। एक बात बताऊँगा मैं आपको यहाँ पर, तो यार मेरा इतना बड़ा कोई सर्कल नहीं है, ना मैं इतना कहीं आता हूँ ना जाता हूँ, ना कोई इतना टाइम मिल भी पाता है। बिकॉज सीन ऐसा है कि यूनि है, यूनि के बाद आपको पता है फिर थोड़े बहुत काम होते हैं इंसान के, अपना काम वगैरह के काम करने के बाद अपना व्लॉग वगैरह कर लिया और घर के कोई थोड़े बहुत काम कर लिए। मसला ये है कि यार दोस्त हैं भी सही, अच्छे भी हैं, और एक बोलते हैं कि हाई स्टैंडर्ड वाले भी हैं, लो स्टैंडर्ड वाले भी हैं, दोस्त मेरे सारे हैं, लेकिन के सिलेक्टिव से दोस्त हैं यार जो मेरे साथ यानी कि आपको पता है जो ब्लॉग्स के अंदर आते हैं, ठीक है। इतने बड़ा मेरा कोई सर्कल नहीं है, पता है क्या वक्त आने पर जो है ना ये सारे यानी कि आपको जितना भी है उस टाइम तक के हद तक के लिए तो ठीक है, टाइम पास है आपका, और बाकी एंड टाइम पर पता है क्या होता है, सब आपको डंडा दे के जा रहे होते हैं। तो कोई इसमें वो नहीं है, पहले भाई अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लो, स्ट्रॉन्ग करने के बाद देखना पूरे के पूरे जो भी आपका गैंग स्टैंड होएगा ना, जितने भी होंगे आपके यार दोस्त सारे आपके बीच होंगे। बाकी बाल लंबी चौड़ी हो गई है, आप सब लोगों को एक दफ़ा अगेन ईद मुबारक, हैप्पी रहें, स्टे हैप्पी और सदा खुश रहें। तो बाकी अभी का फिलहाल सीन ये है कि चलते हैं वहाँ पर जाके देखते हैं, अगर कोई मिला तो उसे मिलवा भी देंगे, नहीं तो फिर देखते हैं आगे क्या करते हैं फिर। 1 minute 37 seconds later. हाँ यार, तो अभी सीन ऐसा है कि खाना वगैरह खा लिया हमने फ़िलहाल,
खाने में जो था वो था अल्लाह भला करे चिकन पुलाव वगैरह था, तो वो भी आपने देख लिया होगा। बाकी फ़िलहाल का सीन ये है कि अभी बाज़ार की तरफ निकले हुए हैं, लेकिन बाज़ार तो पूरा बंद है और पीछे इस साइड पे भी रोने के शोने के नहीं है, बस रमज़ान के अंदर ही हुआ करती थी। बाकी कज़न के साथ आए हैं, थोड़ी सी वॉक कर रहे थे, वॉक करते करते बस घर चलते हैं, घर चल के ब्लॉग की एंडिंग करेंगे थोड़ी सी और नमाज वगैरह पढ़ते हैं इंशा की। तो बाकी अभी बस यही है कि सैर सपाटे हो रही है, सैर सपाटे करके घर चलते हैं। अच्छा यार फिलहाल का सीन ये है कि मैं भी आया था अपने मैच के घर, कोई बात नहीं इधर ही बैठे हम वॉशरूम वगैरह कर देते, ये मेरे दोस्त का घर है यार। लेकिन ये इन दोनों में से कोई आना नहीं चाहता, असल में मसला पता है क्या, कि ये बड़ी हाई पोस्ट वाले बंदे हैं तो इस वजह से। खैर उमर जो है ये मेरे साथ, इसका फेस नहीं दिखाता मैं, उमर जो है इसने मेरे साथ तकरीबन कितने साल पढ़ा है, चार से पाँच साल तकरीबन मेरे साथ पढ़ा है, मैट्रिक भी मेरे साथ किया है, तो काफ़ी यादें रही हैं इसके साथ। और बाकी घर पे आए हुए हैं, मेहमान नवाजी चल रही है, मेहमान नवाजी में देखे हमारे पास है मिठाई और कोल्ड ड्रिंक। बाकी फिलहाल यहाँ से फ्री होते हैं, बाकी घर चलते हैं, घर चल के देखते हैं क्या अपडेट है। हाँ जी, तो यहाँ पर हम अपने ब्लॉग की एंडिंग करते हैं, तो आपने बताना कि ब्लॉग किस तरह का बना है और आपने होपफुली इंजॉय किया होगा। बाकी मेरा डे आज का इतना कोई ख़ास नहीं गुजरा, क्योंकि ना कहीं इतना आ जा सके, ना किसी दोस्त के पास गए, बस एक दोस्त के पास गए हैं वो भी बचपन का था, तो बस यानी कि मुलाकात हो गई अचानक। तो बाकी ये कि कल इंशाल्लाह हम निकलेंगे अपने यार दोस्तों के अंदर बैठेंगे, बैठने वगैरह घुमाएंगे जिनके साथ हमारी पुरानी यानी दोस्ती है। तो बाकी ये कि यहाँ पर अपने ब्लॉग क्या नहीं करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद नहीं भी आया तो पसंद करने की लाजमी कोशिश करिए, चाहे तो लाजमी कर देना। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किस नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, तो लीजिए इजाज़त, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।